नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शनिवार को पहला सहकारिता संगम समारोह आयोजित करवाया जाएगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सहकारिता मंत्रालय के गठन और अमित शाह के पहले सहकारिता मंत्री बनने के बाद ये पहला बड़ा आयोजन है। इस आयोजन में 250 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, 2200 कोऑपरेटर, 18 कोऑपरेटिव फेडरेशन फिजिकली मौजूद रहेंगे। पटना में शनिवार को जिम ट्रेनर विक्रम सिंह की कथित जान लेने की गुत्थी सुलझती हुई दिख रही है। लंबी पूछताछ के बाद पटना पुलिस ने गुरुवार को जदयू नेता और डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह सहित 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जिम ट्रेनर और खुशबू की तस्वीर मिली थी जिसमें दोनों एक साथ गाड़ी में घूमते नजर आ रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2 करोड़ रुपए तक की आवास ऋण के लिए अब न्यूनतम 6.66% ब्याज देय होगा। LIC HFL ने इससे पहले जुलाई में आवास ऋण की 50 लाख रुपए तक राशि के लिए 6.66% की ब्याज दर की पेशकश की थी। बिहार के मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र से एक ठेकेदार की 12 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने गायब होने के 12 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अपहृत बच्ची की बयान के बाद ही पूरा मामला सामने आ पाएगा। नगर थाना के प्रभारी सतेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि मुजफ्फरपुर के थाना नगर क्षेत्र में बुधवार की देर शाम एक ठेकेदार की बेटी का कथित तौर पर अपहरण घर के दरवाजे से कर लिया गया था। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र और मध्य भारत के राज्यों के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के कारण अगले 5 दिनों में 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। गुरुवार को दिल्ली के कुछ इलाके में छिटपुट बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, यूपी के कुछ इलाके, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य, कोंकण और गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार के नवादा जिले के एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नवादा रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो लड़कियां एक दूसरे को प्लेटफॉर्म पर पटक पटक कर मारती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियों के बीच हुए इस मारपीट की वजह उनका बॉयफ्रेंड है। दोनों लड़कियों का बॉयफ्रेंड एक ही शख्स है। दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष पीएम केयर्स भारत सरकार का कोष नहीं है और इसके द्वारा एकत्र किया गया धन भारत की संचित निधि में नहीं जाता है। न्यास पारदर्शिता के साथ काम करता है और लेखा परीक्षक उसकी निधि की लेखा परीक्षा करता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की बहु साले और दूसरे परिजनों को सरकारी नल जल योजना का 58 करोड़ का ठेका दिए जाने का पर्दाफाश राम प्रकाश महतो ने किया था। अगस्त 2020 में पहली बार राम प्रकाश महतो ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया लेकिन उसके बाद कोई जांच नहीं हुई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए आवेदन की मांग की है। उम्मीदवार इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अक्टूबर शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। भारतीय शेयर बाजार के 30 शेयरों का इंडेक्स सेंसेक्स अब किसी भी वक्त 60,000 अंक के स्तर को पार कर सकता है। दरअसल सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को सेंसेक्स ने 59,850 अंकों के स्तर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है और इस वजह से BSE में सूचीबद्ध शेयरों का मार्केट कैपिटल 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर तैनात एक जवान ने अपनी जान ले ली है। कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर केरन इलाके में कल रात एक सैनिक ने अपनी सर्विस राइफल से खुद की जान ले ली। पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल एक्सपर्ट की कमेटी का गठन करने का फैसला सुनाया है। हालांकि अभी एक्सपर्ट के नाम तय नहीं हुए हैं लिहाजा इस बारे में औपचारिक आदेश अगले हफ्ते आ पाएगा। CJI NV रमना ने ओपन कोर्ट में सीनियर एडवोकेट CU सिंह को इसकी जानकारी दी है। CRPF ने दावा किया है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार बढ़ रहे ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बल लगातार रणनीति बना रहा है। CRPF ने कहा कि नवरात्रि से पहले जम्मू में माता वैष्णो देवी समेत सभी तीर्थ स्थलों की सुरक्षा में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में CRPF के IGP S रमपेसे ने कहा है कि ड्रोन एक बहुत बड़ा खतरा है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है इसीलिए सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में हाल ही के समय में स्कूल को दोबारा खोलने के सरकार की कोई मंशा नजर नहीं आ रही है। स्कूलों को दोबारा खोले जाने को लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई और आसपास के इलाके में स्कूलों को फिर से खोलने पर दिवाली के बाद कोई फैसला लिया जाएगा।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब अपने आर्थिक विकास को फिर से हासिल करने के निर्णायक बिंदु पर पहुंच गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेज समिट को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अब अपने आर्थिक विकास को फिर से हासिल करने में एक निर्णायक बिंदु पर है। 2005 के बाद पहली बार WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन को संशोधित करने जा रहा है। नई परिभाषा को माने तो साल के ज्यादातर समय पूरा भारत ही प्रदूषण में जी रहा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार तय मानकों से 17 गुना ज्यादा प्रदूषण के साथ दिल्ली देश और एशिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। अगर आप इंडियन नेवी में जॉब करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। भारतीय नौसेना ने 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां विभिन्न ब्रांच के लिए निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए विशेष सुविधा शुरू की है। दरअसल SBI ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशन सेवा वेबसाइट को नया रूप दे दिया है, जिसके तहत पेंशन संबंधी सभी सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए हमने अपनी पेंशन सेवा वेबसाइट को लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट के जवाब के बाद केंद्र सरकार ने कोविड पॉजिटिव होने के 30 दिनों के भीतर अपनी जान खुद से लेने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। शीर्ष अदालत में प्रस्तुत एक अतिरिक्त हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में उपयुक्त निर्देश इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। चुनावी आहट के बीच यूपी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2-3 दिन पहले उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले मरिहान मिर्जापुर के पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने गुरुवार को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। वाराणसी के औरंगाबाद हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। धनबाद जिला कोर्ट के जज उत्तम आनंद के जान जाने के मामले में आज हाईकोर्ट में CBI ने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। कोर्ट में CBI ने साफ कहा है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। ज्ञात हो कुछ महीने पहले जज उत्तम आनंद को मॉर्निंग वॉक के दौरान टेम्पो पर सवार लोगों ने टक्कर मारी थी, जिसके बाद उनकी जान चली गई थी। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण भारत 23 सितंबर को कर चुका है, जिसके बाद इस खबर से चीन तिलमिला गया है। 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली इस मिसाइल की जद में चीन के अधिकांश प्रमुख शहर आ सकते हैं। इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर गुरुवार सुबह वॉशिंगटन DC पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के काफिले के रास्ते पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग स्वागत के लिए खड़े नजर आए। भारतीय समय अनुसार तड़के 3:30 पर वॉशिंगटन DC के जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरबेस पर उतरने के बाद पीएम मोदी का काफिला पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के होटल विलार्ड में पहुंचा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप लेकर आ गया है अपना नया अपडेट। जी हाँ, यूजर व्हाट्सएप के नए फीचर व्यू वंस का इस्तेमाल अपने एंड्रॉइड मोबाइल में कर पाएंगे। इस फीचर के तहत जब आप कोई भी फोटो या वीडियो भेजेंगे तो मैसेज रिसीवर उस फोटो या वीडियो को एक ही बार देख सकेगा और इसके बाद वो फोटो या वीडियो खुद ही डिलीट हो जाएगी। अक्टूबर महीने में बैंकों में बंपर छुट्टियां रहने वाली है। रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक अक्टूबर महीने में कुल 14 दिन बैंक अवकाश रहेंगे। हालांकि ये सभी बैंक अवकाश अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन स्थानीय त्यौहार और पर्वों के आधार पर है। देश में पेट्रोल और डीजल के साथ साथ रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने गैस सिलेंडर में मिलने वाली सब्सिडी भी काफी कम कर दी है और कई जगहों पर सब्सिडी बंद भी हो चुकी है। इस बीच आशंका लगाई जा रही है कि जल्द ही रसोई गैस की कीमतें 1000 रुपए के करीब जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में ये संकेत मिले हैं। कविता चोरी के आरोप में घिरे मशहूर लेखक मनोज मुंतशिर अब उनके गाने तेरी मिट्टी को लेकर विवादों में आ गए हैं। उन पर आरोप है कि फिल्म केसरी का गाना तेरी मिट्टी पाकिस्तानी गाने की कॉपी है। इस आरोप के बाद मनोज मुंतशिर भड़क उठे और कहा है कि अगर ये गाना कॉपी निकला तो वो हमेशा के लिए लिखना ही छोड़ देंगे। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे। इस दौरान वो मुख्य तौर पर बस्तर और सरगुजा जिलों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 31,923 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 282 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 31,990 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 349 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कुल कोरोना एक्टिव केस 187 दिनों बाद सबसे कम नजर आए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनु कुमार, अनिल आलोक, आरके वार्ड, मुस्कान म्यूजिक, गजेंद्र सिंह, सचिन सिंघम, मंतोष कुमार, अंकित कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार वर्क फ्रॉम होम कल्चर हम सभी को अपना लेना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।